हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो कभी कभी आप लोगों के सामने बाई फेस आने का मन करता है तो आ जाती हूँ, तो ऐसे ही निकल चलती हूँ। और अकेली मैं रहती हूँ और मेरा मोबाइल और मेरा एक छोटा सा बैग, ताकि जो पसंद आए वो मैं ले सकूँ। तो आज मैं आप लोगों से कमलेश नर्सरी शेयर करूँगी। यहाँ ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है और ये एक जानी मानी नर्सरी है, जहाँ जो यूनिक प्लांट आते हैं जो किसी नर्सरी में नहीं मिलता वो इस नर्सरी में लेके आते हैं। हाँ, प्लांट की जो प्राइस होती है वो ऊपर नीचे रहती ही है। उनके वैरायटी, अगर रेयर प्लांट है तो ज़्यादा कॉस्टली है, अगर कॉमन प्लांट है तो जैसा नॉर्मल दाम होता है वैसे है। और प्लांट की साइज हो या उसकी जो पॉली बैग में है या पॉट में है, उस पर भी प्लांट की प्राइस डिपेंड करता है। और मैं किसी नर्सरी का प्रमोशन नहीं करती, मुझे जहाँ अच्छा लगता है मैं आप लोगों से वो नर्सरी और वो प्लांट शेयर कर देती हूँ। और मैं अक्सर रेयर और यूनिक प्लांट और सस्ते प्लांट आप लोगों के लिए सर्च करती रहती हूँ। तो आइए देखें कमलेश नर्सरी में कौन कौन से खूबसूरत प्लांट या रेयर प्लांट और उसकी प्राइस क्या है, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले एडेनियम है। तो एडेनियम ये डबल पेटल वाला एडेनियम है, ग्राफ्टेड एडेनियम है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर है। और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, आप देख ही सकते हैं। तो ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं था, मेरे ख्याल से 10-12 प्लांट ही मुझे दिखे। तो आप यहाँ से एडेनियम ले जा सकते हैं और दाम इनसे पूछ सकते हैं, और मैं दाम मेंशन कर दूँगी उनसे पूछ के। और देखिए, एक बहुत ही यूनिक और बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि मैम कहीं से भी ढूंढ के मुझे ज़रूर लाइएगा, ये स्टरडे टुडे टुमारो है, ये 250 में आप ले जा सकते हैं। और बहुत लोगों ने मुझसे बोला था मैम ये प्लांट मुझे ढूंढ के ज़रूर बताइएगा। तो इसका नाम जो है इसके फूलों के कलर चेंज के कारण हुआ है, यानी कि पहले दिन ये पर्पल होगा, दूसरे दिन ये लेवेंडर कलर के हो जाएगा और तीसरे दिन ये वाइट कलर हो जाएगा। तो नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। और भी इसके नाम है लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार नाम है, तो मुझे ये ज़्यादा इसी नाम से लोग जानते हैं, तो ये ज़रूर ले जाएं। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये आए प्लांट तो ज़रूर बताइएगा। तो आप यहाँ से रामराज नर्सरी, सॉरी ये कमलेश नर्सरी से ले जा सकते हैं। और ये देखिए, ये एक वाइन है और ये 400 में है। तो मैं नाम, मुझे ठीक से ये मालूम नहीं, अगर आप लोगों को नाम मालूम हो तो बताइएगा। पिंक कलर के ऐसे फ्लावर आते हैं और है तो ये बेल वाला ही फूल, तो इसे आप यहाँ से ले जा सकते हैं, 400 में है। तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और ये मेरे ख्याल से लाल मिट्टी में ही भुने वाली ही वेराइटी है। तो काफ़ी यूनिक कलेक्शन इनके हैं आया हुआ है, मैं थोड़े से ही कवर कर पाई और वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और रोज़ की बहुत अच्छी वैरायटी आई है। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम स्टैंडिंग रोज हो या जो बेल वाली, यानी जो क्लाइंबिंग रोज हो, क्रीपर वाली रोज हो, वो बताइएगा। तो आप नर्सरी, ये कमलेश नर्सरी से ले जा सकते, काफ़ी ह्यूज मात्रा में आया हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये जो स्टार फ्रूट है, ये बहुत बड़े एक पेड़ की तरह ये प्लांट था, बहुत बड़े गट्टे में लगा हुआ था, जो 222 यानी 2200 में ये स्टार फ्रूट के प्लांट ले जा सकते हैं। जिसके पास ग्राउंड है बस उसका गड्ढा कीजिए और इस प्लांट को रख दीजिए। अब फलों से ऐसे भरा हुआ था, गट्टे में लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन में लगा हुआ। छोटे प्लांट भी है, यहाँ से आप कहिएगा तो मैं इनके यहाँ से डिटेल में फ्रूट प्लांट शेयर कर दूँगी। ये मुझे कुछ कुछ दिखा तो मैंने शेयर कर दिया, काफ़ी उनके यहाँ भीड़ थी तो दाम बताने में भी वो बहुत ये कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो जो आया मैंने वो आप लोगों से शेयर की। देखिए ये स्टैंडिंग रोज है, बिल्कुल खड़ा रहता है, बहुत लोग मुझसे पूछते थे, ये आप यहाँ से ले जा सकते हैं। दाम मैंने लिख दिया है, मतलब ये देखिए, ये स्टैंडिंग रोज 400 में, यानी कि आप जो बटन रोज है वो 50 रुपीज़ में, इंग्लिश रोज है पॉट और जो पॉली बैग है उस पर डिपेंड है। बहुत प्लांट बहुत हेल्दी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और जो 50 रुपीज़ में छोटे छोटे पॉली बैग में जो बटन रोज लगा है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो क्रीपर वाली रोज है
वो भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी हेल्दी प्लांट है, वो मेरे 6 इंच के पॉट में लगा हुआ। रोज़ की काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है, सारे कलर हैं। और इनके यहाँ जो कश्मीरी रोज़ है वाइट पिंक आपको मिल जाएंगे, और हाइब्रिड रोज़ का तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। और देखिए ये भी बहुत यूनिक कम नर्सरियों में दिखने के, ये गुजमनिया है, गुजमनिया बोलते हैं इसे। और ये परमानेंट प्लांट है, क्योंकि ये तो ये जो फ्लावर तो एक बार स्टक निकल के मर जाता है, लेकिन इसके नीचे से जो बेबी पफ निकलते हैं उसे अलग ये निकाल के बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत यूनिक प्लांट है। और देखिए ये गुलदावरी की एक वेराइटी है, इसमें ये लगता तो ये बिल्कुल डहेलिया की तरह है, लेकिन ये गुलदावरी की ही वेराइटी है। ये 150 रुपीज़ में आप यहाँ से ले जा सकते हैं। कलर बहुत सारे हैं, और देखिए इसके जो बड़े फ्लावर बिल्कुल यूनिक और रेयर ये गुलदावरी है। तो इसके ये सीड से भी लगता है, इसके सीड होते हैं जैसे और गुलदावरियों में कटिंग से लगते हैं, तो इसके सीड बनते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये दोनों लग रहे थे, काफ़ी रेयर वेराइटी। और देखिए ये क्रीपर रोज है जो क्लाइंबिंग रोज बोलते हैं, और काफ़ी अच्छी छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये 150 में है, और 50 रुपीज़ से लेके यहाँ 400 से ऊपर तक यहाँ के रोज हैं, आप ले जा सकते हैं। देखिए और ये एप्पल बेर है जो 350 में ले जा सकते हैं, फ्रूटिंग हो रही है, ये बहुत अच्छी वेराइटी है। और ये मैंगो है, आम का पेड़ है जो सालों भर इसमें फ्रूटिंग होती है, ऑल सीजन है। और ये 500 में है, 350 to 500 में। आप कहिएगा तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल से आपको फ्रूट प्लांट इनके यहाँ का शेयर कर दूँगी। और अभी तो कुछ दिन के लिए शादी में जा रही हूँ, तो आने के बाद ही ये करूँगी। ये बेगम बहार है और ये 150 में, तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन आया हुआ है इनके यहाँ। और मेन तो यहाँ जो ऑनलाइन रेयर प्लांट मंगाते हैं कैसे डहेलिया, वो यहाँ से ले जा सकते हैं। ऑनलाइन तो ऐसे भी कॉस्टली पड़ जाता है। देखिए डहेलिया शायद 40 से 50 के बीच में था, आप ले जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, एक से बढ़ के एक फूलों के साथ, बर्ड्स के साथ इनकी यहाँ कलेक्शन है। और बोलूँगी अगर परमानेंट प्लांट लेना चाहते हैं फूलों वाले प्लांट, तो आप उधर से पर्यावर नर्सरी हुआ, शर्मा नर्सरी, वहाँ से ले आए। और ये सारी नर्सरियाँ हैं कि जो रेयर फ्लावरिंग प्लांट नहीं मिलते हैं। देखिए कितना हेल्दी वो क्लाइंबिंग रोज है, क्लाइंबिंग रोज में ऑरेंज है, पिंक है, वाइट है। और तो वहाँ से शर्मा नर्सरी उधर साइड से लीजिए, लग जाएगा। देखिए सीडलिंग यहाँ से विंटर प्लांट की 8 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, सारे सीडलिंग मिल जाएंगे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के। तो बहुत खूबसूरत रेयर फ्लावरिंग प्लांट है, जो शौकीन है रेयर प्लांट के वो यहाँ से यही मिलेंगे, यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ऑनलाइन से तो सस्ता ही पड़ेगा, और बाकी बातें तो मैंने बता ही दी। परमानेंट प्लांट आप कहाँ से ले जा सकते हैं, कहाँ सस्ता पड़ेगा। होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।